नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, DSSB की सीरीज हमारी चल रही है, एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग APL। आज दूसरा दिन है और तीसरा लेक्चर में डालने डाल रहा हूँ, लेक्चर 3 है आज। ठीक है, तो आप सब अपने दोस्तों को बताइए जल्दी से, जो पढ़ाई कर रहे हैं। DSSB का पूरा सिलेबस मैं यहाँ खत्म कराऊंगा 50 दिन के अंदर। ठीक है, तो रोज पढ़ाई करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप लाइव लेक्चर ले लीजिए, कि लाइव ले लीजिए। एक्चुअली मैं मोबाइल से लेक्चर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें लाइव लेक्चर लेना, क्योंकि उसमें ना मैं कमेंट पढ़ सकता जाके। तो रिकॉर्डेड ही लेक्चर मैं रोज आपको डालता रहूंगा। जिसको डाउट हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, वो स्क्रीन पे भी लिखा रहेगा, उसको आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिएगा। आपके जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो उस व्हाट्सअप की वीडियो मैं बना दूंगा, क्वेश्चंस की 5-6 क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया से फोटो होना चाहिए ताकि मैं उसको सीधा बोर्ड पे ले सकूं विद ऑप्शन। ठीक है, तो आपके डाउट सोल्व कर दूंगा और एक हफ्ते के अंदर कोशिश करूंगा कि आपका लाइव लेक्चर भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। चलिए अभी हम पढ़ाई करते हैं, एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो 100% कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हो। ठीक है, पढ़ने की इच्छा शक्ति होगी। आप मेरा भी देखिए, मैं आप मोबाइल से सेटअप वेटअप करके कुछ भी करके अपना लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, ये ना सोचे बिना। अभी कुछ दिन के अंदर कैमरा वगैरह आ गया, मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्सक्यूज मत दो, सीधा पढ़ाई करो। चलिए आज तीसरा लेक्चर है, Day 2 है, हम पढ़ाई करेंगे। शरद मैथ्स में आप सबका स्वागत है, थोड़ी अपनी बढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, तो DSSP वगैरह का मैथ पूरा पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए ये थर्ड लेक्चर है परसेंटेज का। चलिए, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट इज 25%, सॉल्ट कितना है 25%। इफ 25 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सोल्यूशन, नाउ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज 30% इन द सोल्यूशन, फाइंड द रियल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो पानी और नमक के घोल में 25% नमक है, और उसमें से 25 लीटर अगर पानी वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, तो अब नमक की मात्रा घोल में 30% है। तो बताइए शुरुआत में वास्तविक मात्रा कितनी थी, वो मिक्सचर कितने का था शुरुआत। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये क्वेश्चन भी मुझे व्हाट्सएप पे बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो उनको मैं एक क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं। अब देखेंगे बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप एक बात बताइए, आपको मैथ में एक बात पता होगी, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, एक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी देखिए वो कह रहा है कि एक मिक्सचर था, उसके अंदर कुछ परसेंट सॉल्ट होगा, कितने परसेंट सॉल्ट है, 25% सॉल्ट है। ठीक है भैया, बाकी पानी होगा, अब इवेपोरेट हो गया इसमें से कुछ पानी, तो अब देखिए सॉल्ट को आप डाल नहीं रहे हो, सॉल्ट की क्वांटिटी तो उतनी है। ठीक है, अब पानी इवेपोरेट होगा, कितना इवेपोरेट हो गया 25 लीटर, उसने बोला है 25 लीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब सॉल्ट कितना बच गया इसी के अंदर, ये उड़ने के बाद अभी कितना बच गया, अब ये हो गया आपका 30%। हाँ, सॉल्ट कितना हो गया देखो 30%, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा तो चेंज नहीं हुई ना, लेकिन पानी कम हो गया उसमें से, पानी कम हो गया तो और वो नमकीन बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया 30%, 25 से कितना हो गया 30%। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज तो इसमें कॉन्स्टेंट है, जो चीज चेंज नहीं हो रही, बेटा ये बात ध्यान से सुनना, लाइफ में भी और मैथ्स में भी वो चीज पकड़ना जो चेंज नहीं हो रही। अब आपको एक पता भी, सॉल्ट तो चेंज नहीं हो रहा भाई, सॉल्ट की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही ना, मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्ट था तो अभी भी उतने ग्राम रहेगा, लेकिन परसेंटेज तो रिलेटिव टर्म है, दूसरे को भी डिपेंड करेगा, और नमकीन होने का मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए आप ये बोल सकते हो कि 25% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन, OS लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 30% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। बस ये है आंसर एक लाइन के अंदर। ठीक है बच्चों, 25% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 30% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। तो ओल्ड सॉल्यूशन और न्यू सॉल्यूशन का रेशियो कितना आ जाएगा, ओल्ड सॉल्यूशन और न्यू सॉल्यूशन का रेशियो आ जाएगा 30:25। तो ओल्ड सॉल्यूशन अगर 30:25 का है तो न्यू सॉल्यूशन कितने का है, 25:25 का। यानी आपके अकॉर्डिंगली कितने रेशियो उड़ गया भैया, 5 लीटर, 5:25 उड़ गया। इनके अकॉर्डिंगली कितना लीटर उड़ा है, 25 लीटर। तो 5 को 25 लीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 लीटर।
तो इसको भी करेंगे 5 लीटर से और इसको भी करेंगे 5 लीटर से, ठीक है। तो 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 लीटर, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 150 लीटर। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है बेटा, ध्यान से देखना इस बात को, जो चीज चेंज नहीं हो रही। मैंने कौन सी चीज पकड़ी है, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो नहीं वेपोरेट हो रहा ना, भाई सॉल्ट तो उस बर्तन के अंदर उतना ही रहेगा, तो उतना ही रहेगा तो उसकी मात्रा सेम रहेगी। तो उसकी मात्रा सेम रहने का मतलब है, अगर पहले वो 25 कितना था, 25% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन, ये पहले सॉल्ट होगा जितना भी होगा हमें पता नहीं, लेकिन अब इसकी मात्रा सेम है, यानी इक्वल टू नए सॉल्यूशन में कितनी मात्रा हो रही है उसकी, 30% ऑफ न्यू सॉल्यूशन बस। तो इससे क्या हो जाएगा, ओल्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 30 और न्यू सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये 5 की कमी आ गई, 5 और उनके अकॉर्डिंगली मतलब कितना, हमारे अकॉर्डिंगली 5 रेशियो उड़ा है, उनके अकॉर्डिंगली कितना उड़ा है 25 लीटर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लीटर से, तो इसको भी 5 लीटर से मल्टीप्लाई, 5 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 लीटर से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 150 लीटर। आई होप मैंने 2 बार बता दिया, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको ये बात नहीं पता, एक्स परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, वो भी देख ले। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मैथ का, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, यानी 20% ऑफ 50 और देखिए 50% ऑफ 20 हमेशा बराबर आएगा, बराबर आएगा। देखो होगा क्या, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा देखो आप, 20% ऑफ 50 आएगा 10, इधर भी निकालोगे आप देखो कितना आएगा 10, क्योंकि होगा क्या, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे नीचे 100 आएगा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे नीचे 100 आएगा। तो होगा क्या, एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 और वाई इंटू एक्स अपॉन में 100, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं प्रॉपरली बहुत एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसी का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो ये इंग्लिश में थोड़ा कटा हुआ है, वैसे मैं इंग्लिश हिंदी में पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है देयर इज 40% शुगर, मैं इसको लिख देता हूं, देयर इज, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, देयर इज 40% शुगर इन 250 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी ऊपर लिखा हुआ है, पहली लाइन जो रब हो गई थी वो लिख दी मैंने, देर इज 40% शुगर इन 250 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन अ सॉल्यूशन सो एज अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 50%। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, हिंदी में लिखा हुआ है देखो 250 ग्राम के एक सॉल्यूशन में, अच्छा 250 ग्राम का सॉल्यूशन है, हाँ 250 ग्राम का सॉल्यूशन दिया तो हुआ है, ठीक 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 ठीक, कोई नहीं दिया ही हुआ है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने पढ़ लिया तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आपको एक बात रिकॉग्नाइज करनी है कौन सी चीज स्टेबल है। आपको पता है एक 250 ग्राम का चीनी का सॉल्यूशन है, चीनी का सॉल्यूशन मतलब उसमें 250 ग्राम मिक्सचर, उसमें 40% चीनी है, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज स्टेबल है, अब वो कह रहा है उस घोल में कितनी और चीनी मात्रा मिलाई जाए ताकि इस घोल में अब चीनी कितनी हो जाए 50%। तो आपको एक बात दिख रही है कि भाई कौन सी चीज चेंज हो रही है, चीनी। तो कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही, पानी, समझ रहे हो बात। आखिर में पूछ रहा है इस घोल में चीनी की मात्रा हो, ठीक है। तो क्या होता है, हाउ मच शुगर हैज बीन एडेड, ठीक है। तो आप एक बात बोल सकते हो, देखो पहले सॉल्यूशन में 250 ग्राम था, 250 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 40% क्या है, चीनी, कोई बात नहीं भाई। तो 7% क्या होगा, पानी। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना भाई, 60% पानी होगा। मैं पानी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पानी चेंज नहीं हो रहा। अब उसके अलावा वो क्या मिला रहा है, चीनी मिला रहा है, तो चीनी मिला रहा है तो पानी तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो चीनी मिला रहा है जिसकी वजह से अब शुगर सॉल्यूशन कितने का हो गया, 50% शुगर का। तो अब देखिए, अब ये बात देखो ध्यान से देखनी आपको, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं 60% ऑफ
ओल्ड सॉल्यूशन, भाई चेंज नहीं हो रहा था ना पानी, उस चीज को पकड़ो जो चेंज नहीं हो रहा, 60% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। बस क्योंकि स्टार्टिंग में जितना पानी यहां पर है 60%, मैंने उसके अंदर चीनी और मिलाई तो पानी की मात्रा तो उतनी रहेगी। अब वो पानी की मात्रा न्यू सॉल्यूशन में कितनी हो रही है, 50% बोल रहा है वो। जब चीनी 50 है तो बचा हुआ पानी कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, तो ये बराबर होगा ना नेक्स्ट न्यू सॉल्यूशन के 50% के। तो 60% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी ओल्ड सॉल्यूशन का रेशियो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा बेटा 50, और न्यू सॉल्यूशन का रेशियो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 50 से कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर सॉल्यूशन 50 ग्राम का था तो बाद में कितने का हो जाएगा 60 ग्राम का, इंक्रीजमेंट कितने का है 10 का, लेकिन सॉल्यूशन पहले कितने का था 250 ग्राम का, तो 50 को अगर 250 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी कर दीजिए 5 से, और हमें यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 10 का, तो उसको भी करेंगे 5 से। ठीक है, 50 ग्राम, तो हमारा आंसर 10 × 50 कितना आ जाएगा 50 ग्राम। जय बजरंगबली की जय। इससे आसान तरीका नहीं होगा बेटे क्वेश्चन करने का। ठीक है, जो चीज स्टेबल है, जो चीज पूरी तरह से स्टेबल है उस पर ध्यान देना है बस। समझ में आया, पानी चेंज नहीं हो रहा था बस, अब पानी को पकड़ो, जो चीज चेंज नहीं हो रही आपको दिख रहा है अभी शुगर डाल रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ इतना आ रहा है शुगर डाल रहा है तो पानी स्टेबल रहेगा। तो जब शुगर 40% है स्टार्टिंग में, 40% बोला है ना शुगर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो पानी कितना हो जाएगा 60%, और नए सॉल्यूशन में चीनी कितनी, चीनी डाल के 50%, तो यानी पहले सॉल्यूशन 60%, दूसरे सॉल्यूशन के 50% के बराबर है, तो 50 इधर चला जाएगा और 60 इधर चला जाएगा। बस आया बच्चों, मेरे ख्याल से आया होगा, बहुत अच्छा तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखो, ए सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। ठीक है, हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी बाय 5%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको यही ध्यान देना है बेटा, देखो क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये मुझे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे मैं लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, और डीएसएसपी वगैरह में आने के पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चन के। पिछले दो क्वेश्चन डीएसएसपी में आए, ये वाला भी आया, ये एसएससी में आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ग्लिसरीन वगैरह से कंफ्यूज मत करो, वो ये कह रहा है कि भाई 50 लीटर का ग्लिसरीन का सॉल्यूशन है जिसमें 20% इंप्योरिटी है। ठीक है, 20% इंप्योरिटी है, अब इंप्योरिटी उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, यानी कचरा भरा हुआ है, पानी ले लो उसमें। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर मैं कितना प्योर ग्लिसरीन ऑन मिलाऊं कि अब उसके अंदर जो इंप्योरिटी है वो 5% रह जाए। तो आप देखो इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, इसको मिल्क के टर्म में लो आप, तो आप इसे प्रैक्टिकली जोड़ पाओगे। देखो आप, मैं आपको एकदम देसी भाषा में इसे समझाता हूं, मान लीजिए एक डेयरी वाला है, वो 50 लीटर का एक दूध का बर्तन लेके आया, उसमें उसने चेक किया तो उसने कहा कि भैया इसके अंदर 20% तो पानी है, इंप्योरिटी का मतलब पानी मान लेते। ठीक है, तो डेयरी वाले की झड़प हुई उस बंदे से जो वर्कर काम कर रहे थे, बोले इतना पतला दूध दोगे सब पब्लिक को तो हमारी तो डेयरी बंद हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि भैया वो कह रहा है इसको गाढ़ा बनाओ। अब देखो घरेलू सब बच्चे जो घर में चाय पानी बनाते हैं उसको सबको आराम से समझ में आएगा, अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगी बात। मान लीजिए पतला दूध है, पतला दूध बोलते हैं ना भाई पानी ज्यादा है, तो इसको अगर गाढ़ा बनाना तो हम क्या करेंगे, अब पानी तो निकाल नहीं सकते इसमें से, अब इसमें हम क्या मिला देंगे, दूध मिला देंगे। ठीक है, दूध मिलाने से इसके अंदर क्या होगा, दूध मिलाने से इसके अंदर क्या होगा, जो पानी का परसेंटेज 20% है ना, मात्रा तो पानी की उतनी रहेगी, 10 लीटर है 10 लीटर रहेगी, लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, वो गाढ़ा बन जाएगा, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। समझ में आ गया, ऐसे हम दूध चीनी में करते हैं, मान लो जो आप ज्यादा मीठा आपने चाय बना दी, चीनी ज्यादा डल गई, तो उसको फीका बनाने के लिए क्या करोगे, चीनी निकालोगे क्या उसमें से, नहीं, आप क्या करोगे, दूध ज्यादा मिला दोगे या पानी ज्यादा मिला दोगे। ठीक है, तो चीनी की मात्रा तो उतनी कम रहे उतनी रहेगी, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इसमें पानी तो उतना ही रहेगा लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ये 5% हो जाए, यानी 20% पानी था वो कितना बन जाए 5%, बस फिर हो गया काम आपका। यानी 20% ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। आया, तो ओल्ड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 5, और न्यू सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20।
तो यानी अगर पहले वो 5:5 का था, अब वो कितने का हो जाएगा, 20 का। अब देखो आपके में कितने की वृद्धि, लेकिन था कितने का, वो 50 का, तो 10 यहां लिखे तो 50 लीटर का हो जाएगा, 200 लीटर का हो जाएगा, यानी 50 से 200 लीटर हो गया, कितने की वृद्धि होगी, 150 लीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 150 लीटर आया। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं बेटा, बहुत ही बेहतरीन तरीका। ठीक है, क्योंकि आपने पूछा कितना लीटर मिलाएंगे, तो हम कितना लीटर दूध मिला देंगे भाई, 150 लीटर दूध मिला देंगे, जिसकी वजह से वो अब मिश्रण जो है वो गाढ़ा बन जाएगा, पतला दूध नहीं रहेगा, अब गाढ़ा दूध रहेगा। और देखो गाढ़ा रहेगा, पानी तो उसके अंदर उतना ही रहेगा, लेकिन वो इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी वर्डिंग, लोकल भाषा में गाढ़ा और पतला जो बोलते हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उसी तरीके से हुआ रहा है। देखो आप एक ही तरीके से, आपको रिकॉग्नाइज ये करना कौन सी चीज स्टेबल है। पानी स्टेबल था तो पानी तो हम मिला नहीं रहे ना, जो चीज हम नहीं मिला रहे, जो स्टेबल है। लाइफ में आप कैसे दोस्त पे यकीन करते हो, जो स्टेबल हो, हर परिस्थिति में आपके साथ काम आए, ऐसे ही मैथ में आप उसको उसको पकड़ोगे जो आपकी हर परिस्थिति में काम आए। ठीक, चलिए, हाँ, अरे ये क्वेश्चन तो भैया इतनी बार आ चुका है, पूछो मत। अनगिनत बार आया हुआ है क्वेश्चन, अनगिनत बार। देखो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट, सबसे प्रैक्टिकल, हम सब्जेक्ट को ना प्रैक्टिकली जोड़ेंगे जब मजा आएगा। देखो फ्रेश फ्रूट क्या है, अंगूर, और ड्राई फ्रूट क्या है, अंगूर से किशमिश बनती है, वो क्या है, ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% पानी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, जो अंगूर होता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, पानी के अलावा जो होता है उसको पल्प बोलते हैं, गुद्दा, पल्प। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना परसेंट पानी है, 68%। अब उससे जब मैंने किशमिश बनाई, ड्राई फ्रूट बनाया, तो उसके अंदर होना चाहिए कितना भैया, 20% पानी। ठीक है, तो पानी उड़ा रहा है वो, तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। चलिए ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि मान लीजिए मैं 100 किलो अंगूर लाया, उसमें से मैं कितने किलो ड्राई फ्रूट बनाऊंगा। ठीक, चलिए, अब देखो बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, क्वेश्चन सेम मेथड हर बार लगेगा, आपको बस ये रिकॉग्नाइज करना है कौन सी चीज स्टेबल है। ठीक है, तो वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मुझे लास्ट दो वीडियो में कि मुझे बहुत मन कर रहा है आप लोगों को पढ़ाओ, और मैं रोज इसलिए पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जो भी डाउट वगैरह मुझसे पूछते रहना। ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को, थैंक यू। तो देखिए, हाँ, तो अब देखना इसको, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। तो आप मेरी बात सुनो, पल्प तो हमेशा सेम रहेगा भाई। देखो जो फ्रेश फ्रूट है, इधर देखना भैया, ये ले लिया मैंने फ्रेश फ्रूट यानी अंगूर। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, 68% क्या है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो मैंने कहा ठीक है, पानी तो आपका ठीक है, लेकिन पानी के अलावा जो बचता है उसको बोलते हैं, वो कितना होगा, 32%। वो क्या होगा मेरे बच्चे, पल्प होगा या नहीं होगा, पल्प बोलते हैं उसको, गुद्दा, पानी के अलावा जो अंगूर में बच जाए। तो जो फ्रेश फ्रूट है उसके अंदर कितना है, 32%, और जो ड्राई फ्रूट होगा, अभी आप देखो ड्राई फ्रूट में कितना बोला गया भैया, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, वाटर, मिनरल वाटर नहीं हो जो पानी होता उसके अंदर। ठीक, तो 80% क्या होगा मेरे भाई, पल्प। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, अब देखो पल्प तो सेम रहेगा भाई, पल्प थोड़ी उड़ेगा। अगर आपको फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाता है तो कुछ प्रोसीजर होता है उसमें से पानी, मतलब शायद धूप में रखते हैं या फर्मेंटेशन प्रोसीजर होता है जिससे पानी निकलता है। पल्प तो उतना ही रहेगा, गुद्दा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। तो अब सीधा ये आएगा, 32% ऑफ FF फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई फ्रूट, ये बराबर होंगे बस, 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट इसके बराबर होगा 80% ऑफ ड्राई फ्रूट, बस हो गया क्वेश्चन। तो आप इसको देखो, मुझे रब करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये समझ में आया भैया। चलिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। बेटा इतना ही आपको रिकॉग्नाइज करना है बस, फिर तो क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेश फ्रूट कितना आ जाएगा, 80, और ड्राई फ्रूट कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 8 से काटोगे तो 8 दें
इसको कितना आ जाएगा 8 चौक। अब इसका मतलब हुआ अगर फ्रेश फ्रूट आपने 10 किलो लिया है तो ड्राई फ्रूट कितना बनेगा उससे 4 किलो, लेकिन फ्रेश फ्रूट तो आपने कितना लिया है, इसने लिया 100 किलो लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो इसको 100 बनाना, तो एक जीरो यहां चिपका दो 100 किलो हो जाएगा, एक जीरो यहां चिपका दो कितना आ जाएगा 40 किलो। आया बेटा? ठीक है, तो आज परशुराम जयंती है, सब मैं भूल गया था, सब तो पहले तो आप लोगों को सब बहुत बहुत बधाई हो परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की भी। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बधाई और ये क्वेश्चन देखिए। तो देखो इसलिए इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है आज, परशुराम जी की जयंती है और अक्षय तृतीया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? तो बोलो परशुराम जी की जय। ठीक है दोस्त, तो 40 केजी इससे बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो लेक्चर का फायदा ये, पीछे करके देखो, स्लो स्पीड में देखो, फास्ट स्पीड में देखो। ठीक, ऐसी जिंदगी का रिमोट भी हमारे पास हो तो कितना अच्छा रहे ना। अच्छा ये वाले क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे, 8% ऑफ वोटर वगैरह। ठीक है बच्चों, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन मुझे आपको और कराने थे, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट और पूछे थे। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। चलिए अब तो वो एक टाइप की कैटेगरी हमने पूरी कर दी, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गोट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट हु गोट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स देन द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। ठीक, चलिए एकदम अलग क्वेश्चन है, उस पर इसको करा देता हूँ, लेकिन फिर x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x पे ध्यान देना था। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ, चलो अभी बता देता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अच्छे से बता दूंगा, ये फ्लो टूट जाए, एक टाइप के क्वेश्चन हमने करें। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आज ही बना दूंगा, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x का मैं बता देता हूँ। देखो बेटा ये क्या होता है, x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, तो ये हमारे क्यों काम आता है। देखो अगर मैं लिख रहा हूं 20% ऑफ y इज इक्वल टू 50% ऑफ x, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला नंबर, सामने वाला नंबर 50, और x की वैल्यू कितनी होगी, इसके सामने वाला नंबर 20। ठीक है, उस क्वेश्चन को भूल जाओ अभी जो पीछे करा रहा था, अभी ये समझो। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखो निकालो 20% ऑफ 50, सेम आएगा 10, 50% ऑफ 20 निकालोगे सेम आएगा 10, बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 8 और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 7, ये बात ध्यान रखना, ये तरीका है क्वेश्चन करने का। ठीक है, यानी 8 रुपये की चीज़ 7 में कर रहा है, नुकसान कर रहा है, कोई बात, तो ये बात ध्यान रखना। और जैसे इस पर देख लेते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 16% ऑफ 50 किसके बराबर होगा, तो अब ये देखो कैसे कैलकुलेशन में काम आएगा, 16% ऑफ 50, तो मुझे पता है मैं परसेंटेज के साइन को इधर इधर घुमा सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए 50% ऑफ 16। अब 50% का फ्रैक्शन मुझे पता है हाफ होता है, तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं बोल दूं जैसे 18% ऑफ 25 निकालिए, तो अब देखो मुझे 18% का मतलब तो नहीं पता, मैं 25% का मतलब पता है 1/4 होता है, तो 18 का 1/4 होगा, यानी आधे का आधा कितना हो जाएगा ये 18 का आधा, 9 का आधा 4.5। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x का, लेकिन हम उसको थोड़ा इस तरीके से कर रहे हैं, जो चीज टेबल हमें दिख रही है उसका इस्तेमाल करते हुए। देखिए हमने क्वेश्चन किया, अगला क्वेश्चन ये किया, ठीक है, हर एक में हमने यही किया। ठीक है, ये वोटर वाले क्वेश्चन तो कल करा दिए थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं मैं एक तीसरी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो, एक टाइप के मैं हमेशा एक कैटेगरी के क्वेश्चन एक उसमें डालूंगा, ठीक है, फिर अगले कैटेगरी के उसमें, ताकि फिर वो कम से कम क्लियर है कि हाँ एक टाइप के क्वेश्चन सर ने इसमें कराए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसको हम बोलेंगे ये मिक्सचर एलिगेशन टाइप क्वेश्चन है, परसेंटेज में है ना, कुछ भी मिलाना,
उससे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइएगा। देखो एकदम फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बस कोशिश मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लालच तो होता है यार मेरे अंदर भी, है ना, बस थोड़ा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, थोड़ा मैं पॉपुलर हो जाऊंगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब और सबको भेज दिएगा चैनल, बस इतनी सी आपसे गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो इतना तो हक बनता है, ठीक है दोस्तों। जय बजरंगबली, जय श्री राम, नमस्कार।